हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी जानकारी दूंगा। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है। दोस्तों, कैसे हम अपना जो वीडियो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, इसी के ऊपर आज हम वीडियो आपको बताएं, मतलब वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम अपना जो मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा MPG 4 रिसीवर है। देख सकते हैं NK6605S वाला बोर्ड। दोस्तों देख सकते हैं, इसी के बारे में हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ और दोस्तों डॉम फाइल वगैरह आपको मिलता रहता है और नया सॉफ्टवेयर मिलता रहता है। ये इसी में मैं पहले सॉफ्टवेयर को कर देता हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पे भी करने के लिए सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ से सोल्ड करके इसमें 8 वायर को कनेक्ट कर दिया है और हमारे पास ये मिनी प्रोग्रामर है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम खराब सेटअप बॉक्स को बना देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, इसी से दोस्तों हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है तो हम रिपेयरिंग कर देते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम अपने मोबाइल स्क्रीन को, मतलब इस सेटअप बॉक्स को अपने मोबाइल में कैसे चलाते हैं, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरा एंटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे दोस्तों ये एडाप्टर है। दोस्तों, तो एडाप्टर को हम यहाँ पे अपने बोर्ड में लगा देते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे बूट लिख कर आ गया है दोस्तों, क्योंकि ये चालू हो चुका है। और उसके बाद हमने एक खरीदा है वीडियो कैप्चर HDMI। दोस्तों ये HDMI है दोस्तों, मतलब HDMI से चलता है, देख सकते हैं। और क्वालिटी के बात कर ले तो 1080 चलता है दोस्तों, एकदम वीडियो फटता नहीं है, देख सकते हैं। ये आपको चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाकर बहुत ही आसानी से ले सकते हो इसको। तो हम इसको डाल देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ले लेना है वहां से। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये वाला। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चलता है मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको एक ये OTG केबल खरीद लेना है। मार्केट से 50 से 60 रुपये मिल जाता है, लेकिन मैंने इसको भी बना दिया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। उसके बाद हमारा जो मोबाइल फोन है, यहाँ से देख सकते हो, इसमें आपको OTG ऑन करना है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे OTG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। और सबसे खास बात दोस्तों, इसमें आपको एक एप्लीकेशन यूज करना होगा जिसका नाम है USB कैमरा। दोस्तों इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसको हम लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे तो ये चलने लग जाएगा, एकदम HD क्वालिटी चलेगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, देखिए ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, थोड़ा लाइट को हम देखिए दोस्तों, एकदम HD में चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं, ये मेरा मेन्यू खुल गया है और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे शेयरिंग का कोड आपको देखने को मिल जाता है। देख लीजिए दोस्तों, कितना मस्त दिखाई दे रहा है। ऐसे ही करके बहुत ही आसानी से दोस्तों आप लोग चला सकते हो मोबाइल फोन में। देखिए, और जैसे ही मैं पावर को ऑफ करूँगा, देखिए ऑफ हो गया है ये सेटअप बॉक्स और यहाँ पे डैश डैश का निशान दे रहा है। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे खुल रहा है। और दोस्तों ये खुल गया, देखिए दोस्तों ये खुल चुका है। और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल थोड़ा ब्लर हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसी के माध्यम से मैं यहाँ पे मोबाइल में
दोस्तों ये वीडियो बना लेता हूँ और अपने YouTube चैनल पे इसको अपलोड कर देता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों ये वाला वीडियो, मतलब वीडियो शूट करना है दोस्तों। अपने सेटअप बॉक्स को मोबाइल फोन में चला सकते हो HD क्वालिटी में। यहाँ पे लिखा हुआ है HDMI वीडियो कैप्चर दोस्तों। तो आपको यही बताना था कि कैसे आप लोग, और इजी कैप ले रहे हैं तो इजी कैप मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि इजी कैप लेंगे तो वो अच्छा क्वालिटी नहीं देता है। आप सही सुने, इजी कैप लेंगे तो नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों। ये वाला बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें एक यही खास बात है दोस्तों, HDMI। जी हाँ दोस्तों, HDMI से चलता है ये, और ए वी केबल से नहीं चलता है। ए वी केबल से चलाने के लिए आपको एक और डिवाइस खरीदना होगा, लेकिन ये सही है दोस्तों, HDMI। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।